सो गाइस ये है ओडियन का एलाइट मिक्सर ग्राइंडर जो कि एक 500 वाट की मिक्सर ग्राइंडर है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देख लेते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो गाइस दिस इज द ओरिएंट एलाइट मिक्सर ग्राइंडर। यहाँ पे देखिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है कंपनी का ब्रांडिंग। स्विच टू स्मार्ट 500 वाट की मिक्सर ग्राइंडर है ये। यहाँ पे ओरिएंट मिक्सर ग्राइंडर एलाइट मॉडल नंबर दिया गया है यहाँ पे, और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन कुछ यहाँ पे लिखा गया है। सो ये रहा बॉक्स की दूसरी साइड। यहाँ पे देखिए 3390 MRP इसका दिया गया है जो आपको मार्केट में 2400-2500 में अवेलेबल मिल जाएगा। और ये बॉक्स की अदर साइड, यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लिखा गया है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ISI मार्क यहाँ पे दिया गया है। सो गाइस आइए मैजिकली इसकी एक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। सो गाइस ये है ओरिएंट का लाइट मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर के साथ ये एक चटनी जार जो कि स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, और ये उसकी नीचे की लुक। और गाइस यहाँ पे एक अनब्रेकेबल ढक्कन भी दिया गया है, और ढक्कन में आप लोग देख सकते हैं कि रबर गस्केट दिया गया है ताकि लीकेज ना हो। और ये रहा मिक्सर की ग्राइंडिंग जार, यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है ताकि आप लोग इजी से इसे पकड़ सकें। यहाँ पे भी अनब्रेकेबल ढक्कन, यहाँ पे दो ब्लेड, और ढक्कन के ऊपर देखिए यहाँ पे रबर गस्केट दिया गया है ताकि लीकेज ना हो। और ये रहा मिक्सर की जूसर जार, यहाँ पे भी हैंडल दिया गया है। ये जार की नीचे की लुक, यहाँ पे भी अनब्रेकेबल एक कैप दिया गया है, और उसके साथ यहाँ पे रबर गस्केट भी है। मसाला निकालने के लिए स्पैचुला, एक वारंटी कार्ड विद मैनुअल, और फाइनली ये रहा ओरिएंट के एलाइट मिक्सर ग्राइंडर। यहाँ पे 3 स्पीड आपको दिया गया है, 1, 2, 3। इससे आप लोग जो मिक्सर ग्राइंडर की स्पीड है उसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये रहा अंदर की कपलिंग, हेवी प्लास्टिक से बना हुआ है इसकी बॉडी। ये रहा पीछे की लुक, यहाँ पे 4 रबर स्टैंड दिया गया है ताकि स्लिप ना हो। यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है कंपनी और मोटर के बारे में, 500 वाट की ये क्या क्या डिटेल है। और गाइस सबसे ज़रूरी बात ये है इसकी ओवरलोडिंग स्विच। तो गाइस ओवरलोडिंग के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कभी कभी जार में मसाला ज़्यादा देने से ये जो मोटर है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली जार से मसाला कम करके पीछे ओवरलोडिंग का स्विच आपको प्रेस करना है। उसके बाद ये मोटर ऑटोमेटिकली वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। सो गाइस अभी इस मिक्सर ग्राइंडर की हाइट थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अप्रॉक्स 10 इंचेस का हाइट यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे पीछे जो मिक्सर ग्राइंडर की डेप्थ है ये अप्रॉक्स 9.5 इंचेस का यहाँ पे दिया गया है। सो जार में जो लॉक दिया गया है और मिक्सर की बॉडी में जो लॉक यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं, इस दोनों को एकदम सही जगह पे बिठा के ये जार को थोड़ा आप घुमा दीजिए, ये एकदम लॉक हो जाएगा, ये अभी खुलेगा नहीं। खोलने के लिए सिंपली आपको अपोजिट डायरेक्शन में इसे सिर्फ घुमाना है। सो गाइस चटनी जार फिट करने के बाद यहाँ पे 13 इंचेस हाइट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, और ग्राइंडिंग जार फिट करने के बाद यहाँ पे 15 इंचेस हाइट यहाँ पे मिलेगा, और जूसर जार फिट करने के बाद यहाँ पे 16 इंचेस हाइट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, और 48 इंचेस का वायर के साथ 2-पिन प्लग यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। और अभी देख लेते हैं ये जो मिक्सर है इसको खोल के आप लोगों को मोटर में दिखाता हूँ। सो फ्रेंड अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट की परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यहाँ पे जो आप लोग जो चमकती हुई चीज़ देख रहे हैं यही है कॉपर बाइंडिंग, कॉपर कॉयल बाइंडिंग इसको कहते हैं। यहाँ पे एलुमिनियम स्ट्रक्चर में कॉपर बाइंडिंग किया गया है, इसे मैं अभी फटाफट फिट कर लेता हूँ। और मैं अभी आप लोगों को एक एक करके मिक्सर ग्राइंडर की जार आप लोगों को घुमा के दिखाता हूँ। सो गाइस ये रहा चटनी जार, ये रहा ग्राइंडिंग जार, और फाइनली ये है जूसर जार। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।